हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एग्रीकल्चर क्लासेस। इस वीडियो में हम भारत में स्थित सभी कृषि संस्थानों के नाम और वो किस जगह स्थित है उनके बारे में डिस्कस करेंगे और सभी शॉर्ट ट्रिक्स के साथ पढ़ेंगे, ताकि हमें एग्जाम में पूछे जाने पर वो किस स्थान पर स्थित है और कौन सा संस्थान है ये हमें आसानी से पता चल सके। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। जैसा कि आपको हेडिंग से पता चल रहा होगा, भारत के सभी कृषि संस्थान व उनके स्थान को याद करने की आसान ट्रिक। भारत में टोटल 94 सेंटर, रिसर्च सेंटर, संस्थान, कृषि संस्थान व निदेशालय स्थित है। हम इनको स्टेट वाइज याद कर रहे हैं, ताकि हमें आसानी से पता चल सके कौन से स्टेट में कौन सा कृषि संस्थान है और कितने कृषि संस्थान है। ठीक है, पिछले वीडियो में हमने दिल्ली के सभी कृषि संस्थानों के बारे में पढ़ा था, वो भी शॉर्ट ट्रिक्स के साथ। एक ही लाइन में हमने दिल्ली के सभी कृषि संस्थानों को याद कर लिया था। एग्जाम में पूछे जाने पर हम आसानी से उनका जवाब दे सकते हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा तो कॉर्नर में आई लिंक है, वहाँ जाके आप देख सकते हैं, और डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से भी आप देख सकते हैं। अगर आपको ट्रिक्स अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। तो आज देखते हैं आज का वीडियो राजस्थान के बारे में। जितने भी राजस्थान के कृषि संस्थान हैं हम उनको एक ही लाइन में याद कर लेंगे और एग्जाम में पूछे जाने पर हम आसानी से जवाब दे सकते हैं। कृषि संस्थान राजस्थान। ठीक है, पहला हमारा जो संस्थान है वो क्या नाम है उसका, केंद्रीय मरु क्षेत्र अनुसंधान संस्थान काजरी, जोधपुर में स्थित है। ठीक है, दूसरा हमारा केंद्रीय भेड़ एवं ऊन अनुसंधान संस्थान अबिकानगर टोंक में स्थित है। केंद्रीय शुष्क उद्यानिकी संस्थान बीकानेर में स्थित है। चौथा हमारा राष्ट्रीय ऊंट अनुसंधान केंद्र जोरबेड़ बीकानेर में स्थित है। राष्ट्रीय मसाला बीजी अनुसंधान संस्थान केंद्र तबीजी अजमेर में स्थित है। सरसों व तारामीरा अनुसंधान निदेशालय सेवर भरतपुर में स्थित है। ठीक है, तो ये टोटल हमारे 6 कृषि संस्थान है जो राजस्थान में स्थित है। अब इसको याद करने की क्या ट्रिक है देखते हैं। ट्रिक है हमारी, राजस्थान के मरुस्थलीय क्षेत्र में ऊंट व भेड़ पाए जाते हैं। ठीक है, आसानी से याद हो जाएगा। एक दो बार आप ट्रिक का रिविजन करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कितनी आसान है, और भी इस ट्रिक से सभी कृषि संस्थानों को आसानी से याद कर सकते हैं। ठीक है, तो ट्रिक क्या है हमारी, राजस्थान के मरुस्थलीय क्षेत्र में ऊंट व भेड़ पाए जाते हैं। कॉमन सी बात है, फैक्ट है ये कि पाए जाते हैं, हाँ सही में पाए जाते हैं। ठीक है, ये राज्य शुष्क होने के कारण यहाँ बीजे मसाले सरसों व तारामीरा होती है। ठीक है, तारामीरा मतलब रेपसीड बोलते हैं, REPESEED। ठीक है, रेपसीड, सरसों, मस्टर्ड। ठीक है, ट्रिक क्या है हमारी, राजस्थान के मरुस्थलीय क्षेत्र में ऊंट व भेड़ पाए जाते हैं। यह राज्य शुष्क होने के कारण बीजे मसाले सरसों व तारामीरा होती है। ठीक है, जैसा कि आपको चित्र से पता चल रहा होगा, ये मरुस्थलीय क्षेत्र और यहाँ ऊंट पाया जाता है आसानी से, तो वही ट्रिक है हमारी, राजस्थान के मरुस्थलीय क्षेत्र में ऊंट व भेड़ पाए जाते हैं। यह राज्य शुष्क होने के कारण यहाँ बीजे मसाले व सरसों व तारामीरा होती है। ठीक है, तो राजस्थान से हो जाएगा हमारा स्टेट, ताकि हमें पता रहे कौन से स्टेट में, राजस्थान के मरुस्थलीय क्षेत्र से हो जाएगा हमारा मरु क्षेत्र। ठीक है, मरुस्थलीय क्षेत्र से हो जाएगा हमारा केंद्रीय मरु क्षेत्र अनुसंधान संस्थान काजरी जोधपुर। ठीक है, ऊंट से हो जाएगा हमारा राष्ट्रीय ऊंट अनुसंधान केंद्र NRCC बीकानेर में स्थित है। ठीक है, भेड़ से हो जाएगा हमारा केंद्रीय भेड़ एवं ऊन अनुसंधान संस्थान टोंक में स्थित है। ठीक है, शुष्क से हो जाएगा हमारा केंद्रीय शुष्क उद्यानिकी संस्थान जो कि बीकानेर में स्थित है। बीजे मसाले से हो जाएगा हमारा राष्ट्रीय मसाला बीजे अनुसंधान केंद्र। ठीक है, सरसों व तारामीरा से हो जाएगा हमारा सरसों व तारामीरा अनुसंधान निदेशालय भरतपुर में स्थित है। ठीक है, इस ट्रिक से हम राजस्थान के सभी कृषि संस्थान के बारे में पढ़ सकते हैं और आसानी से एग्जाम में पूछे जाने पर हम जवाब दे सकते हैं कि कौन सा संस्थान कहाँ स्थित है। ठीक है, इस शॉर्ट ट्रिक्स को याद करना। क्या शॉर्ट ट्रिक है, राजस्थान के मरुस्थलीय क्षेत्र में ऊंट व भेड़ पाए जाते हैं। यह राज्य शुष्क होने के कारण यहाँ बीजे मसाले सरसों व तारामीरा होती है। ठीक है, जैसे कि आप चित्र में देख सकते हैं, डायग्राम में देख सकते हैं कि किस तरह का है ये। ठीक है, और ट्रिक आसानी से याद हो जाएगी और हमारे 6 कृषि संस्थान आसानी से याद हो जाएंगे और एग्जाम में पूछे जाने से हम आसानी से जवाब दे सकते हैं। अगर आपको ट्रिक अच्छी लगी और आप ऐसी ट्रिक
जल्दी से पाना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो कैसा लगा कमेंट में बताएं और वीडियो को लाइक और शेयर करें अपने एग्रीकल्चर फ्रेंड्स के साथ। ठीक है, धन्यवाद।